हम डेली धक्के खाने जाते थे लोगों के ऑफिस जाते थे लोग हमें अपने ऑफिसों के बाहर से भगा देते थे काम करना स्टार्ट किया हमने 2000 का कैंपेन किया हमने 10000 का कैंपेन किया हमने 20000 का कैंपेन किया उसके बाद दो लाख के कैंपेन किए दो करोड़ के कैंपेन किए आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो हमारी कंपनी के टर्नोवर टर्न ओवर करोड़ के आसपास है तो ये जो चालीस करोड़ है सिर्फ मैंने यूट्यूब के थ्रू कमाया है मैं कितने यूट्यूबर्स के बारे में बता सकता हूँ जो आज के टाइम पे करोड़ों एक महीने का कमा रहे हैं तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वो लोग तो भाई बन चुके हैं अब हमारा नंबर कैसे आएगा अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है तो बेसिकली अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आशीष भारद्वाज आपने अभी थोड़े दिनों पहले गुड्डू भैया और बकलोर वीडियो का जॉस टॉक पे टॉक देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी सक्सेस स्टोरी जो आपने सुनी उसमें एक छोटा सा हाथ मेरा भी है मेरा बेसिकली सोशोपुल का हाथ है और मैं सोशोपुल का फाउंडर सोशोपुल बेसिकली एक कंपनी है जिसमें हम यूट्यूबर्स को मैनेज करते हैं उनको ब्रांड्स देते हैं और उनको आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे गरीब से अमीर बन सकते हैं यूट्यूब के थ्रू मैं बेसिकली दिल्ली में पला बढ़ाऊँ और दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई है मैं एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं तो एक जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है वैसे ही मेरी फैमिली का एक सपना था कि हमारा लड़का बड़ा हो ट्वेल्थ क्रॉस करें उसके बाद दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती हो जाए अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग करे अपना एक नौकरी मिले और एक शादी और बच्चे हो लेकिन मेरा बचपन से ही थोड़ा सा अलग था कि मुझे नहीं मुझे कुछ अलग करना है मैं एक ये जॉब नहीं कर सकता जिसमें सुबह उठना है टाइम पे जब मुझे बोल दिया जाए उस टाइम पे उठना है उस टाइम पे सोना है मेरे बस की नहीं था ये तो मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट अलग हुआ मुझे लगा ट्वेल्थ के बाद मैंने कहा उन्होंने कहा कि भाई एग्ज़ाम्स सारे हैं फॉर्म भरो सरकारी नौकरियों के मैंने मना कर दिया मैंने सी के लिए फ़ॉर्म भरा तो सी में मेरा एडमिशन हो गया सी मैंने करनी स्टार्ट करी सी करते करते मेरा इंटरेस्ट बहुत आया तो सी करते करते मुझे एक चीज़ समझ आई सी मैंने ज्वाइन इसलिए की थी कि मैं यहाँ पर पैसा बहुत कमाने आया था लेकिन मुझे समझ आया कि सी बनने के बाद भी भैया एक वेगन खरीदना मुश्किल हो जाएगा तो मैं यही सोचता रहा कि यार अब पैसा कैसे कमाए तो एक दिन मैंने विजय शेखर शर्मा का इंटरव्यू सुना पे का तो मुझे लगा यार ये भी तो एक सरकारी कर्मचारी का लड़का है जब ये इतना बड़ा बन सकता है तो यार मैं कहीं तो पहुंच सकता हूं और मेरे अंदर है भी जब मैं सीए में आ सकता हूं तो यहां भी पहुंच सकता हूं तो मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि यार एक काम करते हैं कि कुछ बिज़नेस विजनेस करते हैं तो उस टाइम ऑनलाइन का क्रेज बड़ा स्टार्ट हुआ था ये बात है दो की दो में हमने सोचा कि बिज़नेस विजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ करते हैं और यूट्यूब भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा था तो हमें यूट्यूब की तरफ तो कोई नॉलेज नहीं थी मैं बोलूँ तो उस टाइम पर मैं यूट्यूब की जीरो नॉलेज रखता था मुझे कुछ पता ही नहीं था यूट्यूब का तो हमने कुछ बिजनेस करने का सोचा तो हमने सोचा कि ऑनलाइन कबाड़ी वाला बनाते हैं कि कबाड़े में बहुत बिजनेस है लोग कमाते हैं सस्ते में खरीदते हैं महंगे बेचते हैं और हम भी ऐसी करेंगे और हम भी करोड़पति बन जाएंगे लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमने बहुत पापड़ बेले बहुत चपले किसी लोगों के पास जाते बैठते उठते हाथ जोड़ते लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया फिर एक दिन मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला कह रहा है यार देख फंडिंग जब मिलेगी जब हमारे पास ना बल्क में बहुत ऑर्डर आएंगे ऐसे कोई हमें फंडिंग नहीं देने वाला तो मैंने कहा यार हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी बल्क में फंड वो करें मार्केटिंग करें तो उसने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं यूट्यूब पर प्रमोट करते हैं उसका एक यूट्यूब चैनल था मैंने कहा ठीक कह रहा है तू तो सही कह रहा है हम तेरे यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो प्रमोट करते हैं तो हमने क्या किया जो अपना स्क्रफरी ब्रांड था उसकी एक यूट्यूब की वीडियो में लगाया और प्रमोट कर दिया प्रमोट बेसिकली क्या था वो एक प्रैंक वीडियो थी उसमें स्टार्टिंग में बोल दिया ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है इस के थ्रू अगर आपको ऑनलाइन कबाड़ा बेचना है तो यहाँ पे लॉग इन करो वो उस टाइम की मतलब ये कहूँगा कि पहली स्पॉन्सर वीडियो थी जो किसी ने देखी थी तो हमने उस टाइम पर प्रमोट कर दिया हमें सीधा दस ऑर्डर आ गए अब ऑर्डर तो आ गए लेकिन हमारे पास ना उसको पूरा करने की मैन पावर ना हमारे पास इतना पैसा कि हम इतना सामान खरीद सके हम घर वालों के पास गए मना कर दिया कि अपनी मर्जी से बिजनेस कर रहा है हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे करता रहे तो जो करना है अपना चुपचाप गवर्नमेंट जॉब करेगा तो हम सपोर्ट कर देंगे वरना यहाँ तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं है अब मैं पैसे किससे मांगूँ अब दो तीन लाख रुपये मैं ऑलरेडी दोस्तों से उठा चुका था उधार एक चौबीस साल का लड़का अगर दो तीन लाख रुपये उधार ले चुका है और वो बिल्कुल डूब चुके हैं तो उसे और कौन देगा कोई दोस्त नहीं देने वाला तो हमारे पास ऑर्डर आ चुके थे फिर हमने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास लेके जाते हैं लेकिन अब इन्वेस्टर्स के पास लेके जाएं तो वो ये कहेंगे जब तुम्हारे पास इतना था नहीं तो तुमने दस हज़ार ऑर्डर कर लिए तो तुम इसे खुद पूरा करके दिखाओ लेकिन मेरे सामने एक डिफ़िकल्टी थी कि दस हज़ार ऑर्डर पूरा करने के लिए ना मेरे पास इतनी मैन पावर थी ना मेरे पास इतना पैसा था तो जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साइड बाय साइड एक सोल्यूशन भी आता है तो मुझे भी साइड बाय साइड एक सोल्यूशन आया यार दस ऑर्डर आए हैं मुझे एक वीडियो प्रमोट करने से एक वीडियो के थ्रू प्रमोट करने से तो अगर दस हज़ार ऑर्डर मुझे आ सकते हैं तो ऐसे कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं कितने बिजनेस ऐसे हैं जिनको ऐसे ऑर्डर चाहिए तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उन बिजनेसेस को भी प्रमोट करके देखें यूट्यूब के थ्रू तो अब हमने सोचा कि अब स्पॉन्सर्स का अब हम एक अलग से एक काम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम यूट्यूब के थ्रू स्पॉन्सर्स बांटेंगे तो हमने ब्रांड्स के लिए हमने सोचा कि क्या करें तो वहाँ पर क्या था कि अब मेरे लिए एक नया टास्क था कि क्रफरी बंद करनी है नई कंपनी खड़ी करनी है क्योंकि इस क्रफरी में जो पैसा लगा चुका था वो तो डम्ब है लेकिन अब नई कंपनी खड़ी करें तो लेकिन वही है मुझे अमीर तो बनना था क्योंकि मुझे एक रास्ता दिखा कि यहाँ से क्या है मैं सीधा सेल करूँगा अब यहाँ पे ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना कुछ करना है मुझे सीधा ब्रांड से पैसा लेना है अपना मार्जिन रखना है और आगे पे करना है तो मेरा तो इसमें सूखा सूखा प्रॉफिट था ना जेब से कुछ जा रहा था ना कुछ आ रहा था तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैंने अपने जो दूसरे बिजनेस की शुरुआत करी वो जीरो रुपीज़ यहाँ पर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी कुछ नहीं किया बस एक आइडिया था जिस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि वही चीज़ है अमीर तो बनना था लेकिन बिना पैसे के बने कैसे तो बनने के लिए कहीं कही ना कहीं थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स और थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है तो अब मुझे ये था कि अब नई कंपनी स्टार्ट करते हैं नई करूं कैसे अकेला हूं तो अकेले में मैंने सोचा कि यार किसको साथ लूं तो मैंने अपने साथ अपनी वाइफ को लिया जो बेसिकली यार मेरी वाइफ है उस टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड थी तो वो मेरे साथ आई उसके बाद मेरे फ्रेंड्स थे तो मेरा एक फ्रेंड था राहुल उसको मैंने साथ लिया तो हम तीन जने मिले हम तीनों ने एक अलग से एक जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो हम क्या करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे एक नया ऑफ़िस खोलने के लिए क्योंकि वो पुराना ऑफिस में बंद कर चुका था क्योंकि मेरे पास इतना कर्जा हो चुका था कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो हम क्या करते थे हम कैफ़ेज़ में जाके बैठते थे हम डेली क्या करते थे फेसबुक पे ना नए नए स्टार्टअप्स देखते थे और उनको अप्रोच करते थे कि यहाँ से हम कि किसी को तो कन्विंस करेंगे हम डेली धक्के खाने जाते थे लोगों के ऑफ़िस जाते थे लोग हमें अपने ऑफिसों के बाहर से भगा देते थे कि नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना तो हमने ये जर्नी स्टार्ट की और बेसिकली बोले तो यहाँ से एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ कि हमने एटलीस्ट एक, एक साल कोई ब्रांड नहीं किया हम लोगों के पीछे पड़े रहे हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था हम लगे रहते थे लगे रहते थे करते रहते थे करते रहते थे एक साल बाद मुझे एक छोटा सा ब्रांड मिला जिसमें क्या था कि उन्हें इनकम टैक्स वो बेसिकली सीए था जिसे अपनी इनकम टैक्स के लिए लोग चाहिए थे तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ दो हज़ार दे सकता हूँ तो मैंने कहा चलो कोई नहीं दो से स्टार्ट कर लेते हैं पहला ब्रांड है कोई मिला हमें एक साल मेहनत करने के बाद तो हमने स्टार्ट किया तो हमने वो जब उसका ब्रांड किया उसके पास पहली वीडियो प्रमोट करते हुए उसके पास अप्रोक से लगा लो सौ के आसपास इंक्वायरीज़ आ गई कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है और जब उसके पास आई तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया उसने हमें और अप्रोच किया हमें और वीडियोस कराई तो हमने उसके लिए और करी ऐसे धीरे धीरे हमने एक पोर्टफोलियो बनाया उसका और वो पोर्टफोलियो हमने चार लोगों को सेल किया या सेल करते 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 हमें क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स मिलने शुरू हुए हमारी वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई लोग हमें जाने लगे क्योंकि हमने वीडियोस पे अपना लोगो लगाना शुरू किया फिर हमारे पास क्लाइंट्स अपने आप अप्रोच करने लगे क्योंकि लोगों को दिखा कि ये भी एक तरीका है कोई कर रहा है प्रमोट क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग में जब लोगों के पास घूम रहे थे तब तक कोई ऐसा था नहीं ना जो अपने आप को प्रमोट कर रहा हो यूट्यूब से क्योंकि लोगों की एक मैंटेलिटी होती है कि कोई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो बेकार है तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिखी कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया हमने लोगों को दिखाया कि देखो जी इनको रिजल्ट आया तो आपको भी आएगा ये देख देख के हमारे पास और लोग आए और लोगों से हमने काम करना स्टार्ट किया हमने दो हज़ार का कैंपेन किया हमने दस हज़ार का कैंपेन किया हमने बीस हज़ार का कैंपेन किया उसके बाद दो लाख के कैंपेन किए दो करोड़ के कैंपेन किए आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो हमारी कंपनी की टर्नओवर टर्नो फोर्टी करोड़ के आसपास है ईयरली तो हम इतने स्पॉन्सर से ईयरली कर लेते हैं और अब ये तो रही स्पॉन्सर की बात अब हम कैसे एक मैनेजमेंट कंपनी बने एक स्पॉन्सर कंपनी से अब उसकी जर्नी बताता हूँ हम स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर्स देते थे सिर्फ स्पॉन्सर देते थे लेकिन हमने देखा कि यार हम तो स्पॉन्सर दे रहे हैं कोई नई कंपनी आ रही है उनको सीधा एग्रीमेंट में साइन कर रही है उनको लेके जा रही है तो यार हमें लगा कि यार ये तो बड़ा बेकार है कि हम तो उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में कोई भी नया बंदा आ रहा है किसी को साइन कर रहा है ले जा रहा है तो हमें भी लगा कि यार हमें भी ना आर्टिस्ट मैनेज करने चाहिए और हमें इतना आइडिया हो चुका था कि अब यूट्यूब पर चलता क्या है अब हम आर्टिस्ट साइन किसको करें ऑलरेडी जो मार्केट में काम कर रहे हैं कुछ ही यूट्यूबर थे वो ऑलरेडी कोई साइन कर चुका था तो हमने सोचा कि नहीं हम ना ज़ीरो से क्रिएटर खड़े करेंगे क्योंकि जो हम जीरो से खुद क्रिएट करेंगे करेंगे ना क्रिएटर्स को वो हमारी वैल्यू करेंगे हमारे रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे साथ लॉन्ग टाइम जुड़े रहेंगे तो ऐसी शुरुआत हुई बकलोल वीडियो की बकलोल वीडियो हमें मिला जिसको हमने बेसिकली हमें सत्तर अस्सी हज़ार में मिला था जिसको हमने हेल्प करी कैसे कॉन्टेंट बढ़ाना है कैसे उसे आगे बढ़ना है अगर उसको कोई लोकेशन की हेल्प चाहिए थी हमने लोकेशन की हेल्प की और उसको आइडियाज़ चाहिए थे क्या बनाना है हमने वो आइडिया दिए तो हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हम उनकी हर फैक्टर पे काम करने लगे हमने क्रिएटर्स को हर हर साइड पे उनको हेल्प किया तो उठाते उठाते हमने कम से कम पचास क्रिएटर उठाए जिसमें से कुछ क्रिएटर टॉप पे चले गए जिसमें से आज आप उनका नाम जानते हो बकलोल वीडियो ग्यारह मिलियन रचित रोजा दस मिलियन मृदुल अभी बारह मिलियन हो चुका है और ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर है जो चार मिलियन पाँच मिलियन सात मिलियन आठ मिलियन पे है तो हमारे पास अभी करंट में अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स हंड्रेड क्रिएटर्स हैं जिनको हम एक्सक्लूसिव मैनेज करते हैं और अप्रोक्स दो हज़ार यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ हम स्पॉन्सरशिप कैंपेन्स करते हैं तो आज की डेट में बेसिकली हम बात करें तो सोशोपुल अपने आप में एजेंसीज में बहुत बड़ी एजेंसी है क्योंकि ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके साथ हम काम नहीं करते और ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसके साथ हमने काम नहीं किया अगर भुवन बाम की बात करें आशीष चंचलानी की बात करें कैरी मिनाटी की बात करें सबके साथ हम काम कर चुके हैं तो हम ज़ीरो से ले कर चालीस करोड़ तक पहुँच चुके हैं और ये चालीस करोड़ हमें पता है एक दिन अस्सी करोड़ भी होंगे एक दिन डेढ़ सौ करोड़ भी होंगे क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी चालीस करोड़ की टर्नओवर तक भी पहुँच पाएंगे एक साल में हम पहुँचे हैं और मैंने कहा था ना कि अमीर बनना था तो मेहनत तो करनी पड़ी तो हमने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे बहुत पापड़ बेले हैं तो ये जो चालीस करोड़ है सिर्फ मैंने यूट्यूब के थ्रू कमाए हैं तो मैं आज के टाइम पे कहना चाहता हूँ कि YouTube मेरा नहीं बहुत लोगों के लिए भगवान है जिन्होंने लोगों को जीरो से ऊपर पहुंचाया मैं कितने यूट्यूबर्स के बारे में बता सकता हूं जो आज के टाइम पे करोड़ों एक महीने का कमा रहे हैं एक महीने का एक करोड़ रुपया आपने कभी सोचा भी है एक करोड़ एक महीना कितना होता है ज़िंदगी में नहीं कमा सकते हम लोग और वो एक यूट्यूबर एक महीने में कमा रहा है क्यों क्योंकि उसने कुछ चीज़ों को अप्लाई किया उसने वो सोचा उसने वो किया जो आप सोच नहीं पाए अगर आप सोच लेते तो आज आप उसकी जगह होते क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया उन्होंने अपनी फैमिली से फ़ाइट की उन्होंने जब उन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट किया होगा ना उनका भी मजाक उड़ाया होगा लोगों ने उनकी फैमिली ने उनका मज़ाक उड़ाया होगा उनके दोस्तों ने उनका मज़ाक उड़ाया होगा क्या कर रहा है क्या पागल है क्या अबे वीडियो कैमरा लेके चल रहा है फ़ोटोग्राफ़र बनेगा क्या लेकिन ये बात सिर्फ चार साल पुरानी है आज की बात करें तो यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जितनी हो चुकी है वो इतना कमाते हैं इतना फ़ेम है लोग उनके फ़ैन हैं उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको हर जगह पूछा जाता है बॉलीवुड मूवी कोलेब्रेशन करते हैं मूवीज़ तक में जाते हैं आपने देखा हो कैरी अभी मूवी पहुंच गया है यार भुवन कमर्शियल एड्स कर रहा है आशीष कितनी सारी वेब सीरीज़ कर चुका है तो यही सब चीज़ें हैं कि लोगों की ना अब सोच बदल चुकी है अब यूट्यूबर्स नॉर्मल यूट्यूबर नहीं रह गए वो एक करियर है तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वो लोग तो भाई बन चुके हैं अब हमारा नंबर कैसे आएगा तो मैं आपको ये बता दूं अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है क्योंकि हर बार कोई नया बंदा आता है किसी पुराने को नीचे करता है और उससे ऊपर बढ़ जाता है तो बेसिकली अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे गए एक चैनल बनाया उस पर अपने नाम लिखा डी लगाई दो झ़्ज़ुल फुल कुछ वीडियो डाल दी चार दिन वीडियो डाल दी एक महीना वीडियो डाल दी और यूट्यूब चैनल बन गया वो कुछ नहीं वो है वो टाइम वेस्ट है वो आपसे वे एक टाइम पास कर रहे हो मजाक कर रहे हो अपने साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी कि बस हाँ क्योंकि आजकल आपको पता लग गया कि यूट्यूब करियर है घर वालों का पागल बना रहे हो कि हम तो यूट्यूबर बनने चले जी ऐसा नहीं है यूट्यूब में सबसे पहले आपको एक टीम बनानी पड़ेगी क्योंकि एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पैसे से नहीं बनता ये बात आप हमेशा याद रखना यूट्यूब चैनल ऐसी चीज़ है जो एक अंदर से निकल के आती है क्योंकि यूट्यूबर वो होता है कि लोग आपके अंदर की क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं उनको अगर पैसे से ही बनना होता है हज़ारों प्रोडक्शन हाउस बने हैं वो यूट्यूबर बन जाते हैं आप यूट्यूब पे देखोगे तो बड़े यूट्यूब चैनल जो है ना वो इंडिविजुअल्स हैं कोई प्रोडक्शन हाउसेज़ नहीं प्रोडक्शन हाउसेज टीविया वगैरह भी अगर तो अगर उनको देखे तो उनके इतने व्यूज़ नहीं है जितने एक इंडिविजुअल के व्यूज़ है तो इंडिविजुअल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो इंडिविजुअल वो जितने भी बने ना ऑल आर विद जीरो इन्वेस्टमेंट किसी ने पैसा नहीं लगाया तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको एक टीम बनानी है आपको दो तीन लोग अपने साथ ढूंढने हैं जो आपके साथ काम कर सके आपकी सेम सोच को फॉलो कर सके क्योंकि अगर आपकी सोच फॉलो नहीं होगी तो आप लोग टीम बना ही नहीं पाओगे सबसे पहले तो टीम ज़रूरी है सेकेंड आपको ये देखना है कि बनाना क्या है अगर आप देखते हो कि आपको कॉमेडी कॉन्टेंट बनाना है आप कॉमेडी में भी फैक्टर आ जाते हैं कि भैया आपको कैसा बनाना है कि फैमिली कॉमेडी बनाना है एडल्ट कॉमेडी बनाना है क्या बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है आपको उसके बाद क्या होता है कि आपको एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो आपने दो महीने बना के छोड़ दिया तो आप सोच रहे हो कि भैया आप यूट्यूबर बन गए वो नहीं है आपको रेगुलर कंटेंट टाइम टू टाइम बनाना पड़ेगा लोग पाँच साल से रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बना रहे हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल को अब एज अ जॉब लेते हैं कि सुबह डेली उठे आज स्क्रिप्टिंग का काम है आज पूरा दिन स्क्रिप्टिंग करी है कल हमें शूट करना है परसों हमें एडिट करना है उसके बाद थमनेल उसके बाद अपलोडिंग पूरा एक हफ्ते का प्रोसेस होता है एक वीडियो का जो लोग उसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन आजकल के मैं कुछ लड़कों को देखता हूँ वो क्या होता है कि भैया यूट्यूब चैनल यूट्यूबर तो बन गए लेकिन आज इधर घूमने जा रहे हैं कल उधर घूमने जा रहे हैं वीडियो महीने में एक निकाल रहे हैं तो ऐसे आप यूट्यूबर नहीं बन सकते आपको जब आपका फ़ेम आ जाए हाँ ठीक है आप एक लेवल पे चले गए आप कहोगे कि बड़े यूट्यूबर तो दो महीने में तीन महीने में एक वीडियो डालते हैं भैया आज उनके पास एक फ़ैन बेस है वो तीन महीने के छः महीने में भी वीडियो डाल सकते हैं लेकिन आपके पास फैन बेस नहीं है आपको फ़ैन बेस बनाना पड़ेगा और फैन बेस क्या होता है रेगुलर कॉन्टेंट्स से क्योंकि आजकल क्या है कि लोग ना डेली वीडियो देखना चाहते हैं अब जो लोग यूट्यूब चलाते हैं उनको डेली चाहिए कि वो यूट्यूब पर आपकी वीडियोज़ देखें तो अगर आप उनको जितना ज़्यादा कॉन्टेंट जितना कम कॉन्टेंट परोसोगे उतनी कम आपकी फ़ैन बेस बनेगा तो इसलिए सबसे बेस्ट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आप उनको परोस के दो जितना ज़्यादा कॉन्टेंट परोसोगे उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे उतनी जल्दी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि बकलोल को चार साल लगे दस मिलियन करने में रचित को तीन साल लगे दस मिलियन करने में और वहीं पे मृदुल को सिर्फ दो साल लगे दस मिलियन करने में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको भी पाँच साल लगेंगे सात साल लगेंगे आप छः महीने में भी दस मिलियन कर सकते हो बट डिपेंड करता है कि आप किस वे में जा रहे हो तो अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करो उनको समझो कि उनको क्या पसंद है सिर्फ वो ही बनाओ ये मत सोचो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं जी मेरे को तो ये कंटेंट अच्छा लगता है मैं यही बनाऊंगा नहीं आपके जिस कंटेंट पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं आप वो समझो कि इस कंटेंट पे दस मिलियन व्यूज आए दूसरे पे दो मिलियन क्या उसमें क्या अलग था कि दस मिलियन आए और दूसरे पे दो मिलियन आए कुछ तो अलग था जो जिसपे दस मिलियन आया ना उसकी समझो और उसको समझ के सेम वैसा ही कॉन्टेंट बार बार परोसो अगर मैं एक छोटी सी बात करूं भुवन आज भी अपने हाथ से हाथ में कैमरा लेके ही वीडियो बनाता है क्योंकि उसे पता है लोगों को ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है वो प्रोडक्शन नहीं करता ज़्यादा और वहीं पे हम कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन दिखाते हैं अगर वो हाथ में कैमरा लेके बनाएंगे उनकी वीडियो नहीं चलेगी तो आप यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोग क्या होता है हर वीडियो में एक्सपेरिमेंट करते हैं एक हाथ से बना ली एक प्रोडक्शन के साथ बना ली एक कैसे बना ली कैसे बना ली वो सबसे गलत है आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स मत करो और सेकंड चीज़ आप एक कंटेंट बना रहे हो आप उसी को फॉलो करो कई लोगों को देखा मैंने एक ही चैनल पे ब्लॉग डाल रहे हैं उसी पे क्या कहते हैं कॉमेडी कंटेंट डाल रहे हैं उसी पे प्रैंक्स डाल रहे हैं उसी पे कुछ भी डाल रहे हैं वो सब चीज़ें बिल्कुल गलत है उससे क्या होगा सिर्फ आपकी यूट्यूब चैनल की रीच होगी क्योंकि यूट्यूब का सीन क्या होता है कि जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करी उस पर दस मिलियन व्यूज़ आए तो अब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करोगे ना सबसे पहले वो आपके सब्सक्राइबर्स के पास नहीं जाएगी वो जो लास्ट वीडियो के जो व्यूअर्स हैं ना वो वीडियो उनके पास जाएगी अगर वो आपने जो नई वीडियो डाली उन व्यूअर्स को पसंद ही नहीं आई तो यूट्यूब उसको आगे रिकमेंडेशन में नहीं भेजेगा और अगर वो रिकमेंडेशन में नहीं भेजेगा तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो हमेशा एक बात याद रखो कि YouTube पे जो 90% परसेंट व्यूज़ आते हैं ना वो सिर्फ रिकमेंडेशन से आते हैं तो इसलिए हमेशा अपनी लास्ट वीडियो की ऑडियंस को मत भूलो अपनी टॉप वीडियो की ऑडियंस को मत भूलो उसको ज़रूर फॉलो करो और सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते आपके चाहे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो व्यूज चाहे बीस मिलियन सब्सक्राइबर है अगर चार लाख व्यूज़ आ रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है वहीं पर अगर आपके सिर्फ एक मिलियन सब्सक्राइबर हो बीस मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं आपकी बहुत वैल्यू है तो अपना फोकस ये रखो अमीर आप भी बन सकते हो पैसे आप भी कमा सकते हो आप में भी कोई कमी नहीं है आप भी मेरे जैसी हो मैं भी आपके जैसा हूँ तो यहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब की एक छोटी सी चीज़ें बताई और मैं अपनी जर्नी भी आपको बताई कुछ यूट्यूबर्स की जर्नी भी बताई कि कैसे वो छोटे से बड़े बने तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है यार कोई भी कमा सकता है बस उसके लिए एफ़र्ट्स और क्रिएटिविटी चाहिए आप वही अगर पुराने धंधे में घुसोगे कि पापा की दुकान थी मैं भी दुकान खोल लूँगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा कभी नहीं हो सकता कुछ अलग करना पड़ेगा और हाँ यूट्यूब कुछ लग गया है आज के टाइम से अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ऑन्ट्रप्रिनर बनने का या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का रोड मैप मिल चुका है तो रुकिए। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम सबको एक स्किल का आना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन एक ऑन्ट्रप्रिनर के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है और आज के हाइपर कनेक्टेड जमाने में इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी ग्लोबल स्किल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल स्किल को सीखने के लिए और अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टॉक्स के पास हम सभी के लिए एक सोल्यूशन लर्निंग एप है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं जो स्किल्स एप आप पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो भी अन्य स्टूडेंट्स के साथ घबराइए मत इस कॉल का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा ये आपके स्टडी मटेरियल के साथ ही इंक्लूडेड होगी कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होना और खुद पे की गई हुई इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती और ना ही कोई हमसे उसे छीन सकता है तो चलिए दोस्तों हम सभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की ओर एक कदम बढ़ाएं। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बनाकर विद जोर स्किल्स एप पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आज ही शुरू करें